जोहार नमस्ते। कुकिंग एंड क्राफ्ट विथ हैप्पीनेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पूनम सोरेन और आज की रेसिपी है मीठी अचार। तो चलते हैं फ्रेंड्स हमारे रेसिपी की ओर। फ्रेंड्स मैंने 2 kg आम ली है और हम इसके छिलके को निकाल लेंगे और मोटी मोटी काट लेंगे। जैसे एक आम को मैंने 6 पीस की है। तो फ्रेंड्स हम इसको अच्छी तरह धोएंगे और फ्रेंड्स मैं इस बार अचार को ग्लास के जार में नहीं बनाने वाली, मैं मिट्टी के बर्तन में बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ अपने मिट्टी के बर्तन। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे मिट्टी के बर्तन, मैं इसी में बनाने वाली हूँ अचार। देखिए फ्रेंड्स मैंने आम को अच्छी तरह धो के मैंने 2 घंटे के लिए सूखने दे दी थी धूप में, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था उससे हमारा अचार खराब हो जाता जल्दी। तो इसीलिए मैंने इसका जो एक्स्ट्रा पानी धोया हुआ लगा था इसमें वो मैंने सुखा दी। तो फ्रेंड्स और इसमें मैं नमक और हल्दी डालूंगी, जिससे इसमें जो और भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमारा निकल जाए और हमारा आम लॉन्ग लास्टिंग चले। तो फ्रेंड्स मेरा 2 kg आम है, उस हिसाब से मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आपका जितना आम होगा उस हिसाब से आप उसमें नमक डालिएगा। तो मैं करीबन 6 स्पून नमक डाली हूँ इसमें। इसी स्पून से मैंने 6 स्पून नमक डाली हूँ और अब हम डालते हैं हल्दी। तो फ्रेंड्स हल्दी करीबन मैंने 2 से 3 स्पून डाली है जिस स्पून से मैंने नमक डाली थी। तो फ्रेंड्स अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और मैं इसे कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और हम फिर इसे 1 दिन धूप में निकालेंगे, जो कि हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो कम्प्लीटली निकल जाएगा और हमारा अचार इस तरह जल्दी ख़राब नहीं होगी। मैंने आम को 1 दिन धूप में रखी और अच्छी तरह सुखा ली है। अब हम मीठी अचार बनाने की प्रोसेस से हम उसमें कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी स्किप की है कढ़ाई गरम करना और तेल डालना। तो फ्रेंड्स हमारी तेल गरम हो चुकी है और अब हम इसमें सरसों और जीरा का तड़का लगाएंगे। तो मैंने ली है पीली सरसों और जीरा। तो हम इसे गरम तेल में डालते हैं और फिर इसमें लाल मिर्च मैंने 5 ली, 5 तेज पत्ता, और इसे थोड़ी सी भून लेंगे और सारे सरसों को तड़कने देंगे। फिर हम उसमें सूखे हुए आम को डालते हैं और हम इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। और फ्राई करते करते हम उसमें मसाले डालेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे थोड़ी सी नमक कम लग रही है तो मैं उसमें और 2 स्पून नॉर्मल स्पून से नमक ऐड कर रही हूँ और 4 चम्मच जीरा पाउडर
अब हम इसे थोड़ी मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने मिक्स कर ली और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। ये मेरा होममेड लाल मिर्च है। तो फ्रेंड्स मैं इसे 2 स्पून ली हूँ। फ्रेंड्स मैंने इसमें लाल मिर्च इसलिए ऐड की क्योंकि हम थोड़ी तीखी, खट्टी, मीठी और नमकीन अचार बना रही हूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें अचार मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली है, आपकी चॉइस, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हर 2-2 मिनट में चलाते रहें। इसमें अचार मसाला डाले हैं, अगर आप चाहे तो अचार मसाला ऐड कर सकते हैं और नहीं भी। अब हम इसमें डालने वाले हैं जगरी। तो फ्रेंड्स हम इसे गुड़ भी कहते हैं और जगरी भी। तो ये बड़ी बड़ी है, हम इसे छोटे छोटे कर लेंगे और फिर हम इसे डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसमें जगरी डाल दिए। मेरा 2 केजी आम है तो उसमें मैंने 1 केजी गुड़ ली है करीबन। और अब हम इसे मेल्ट होने देंगे और देखिए हमारा गुड़ मेल्ट होने लगा है। पूरी अच्छी मेल्ट हो जाने दें और इसे चलाते रहें ताकि नीचे बैठे ना। और फ्रेंड्स हम इसे 20% ही इसमें पकाएंगे गैस में। तो गुड़ को हम अच्छी तरह मेल्ट होने के लिए कवर कर देते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारे अचार में अच्छी उबाल आ गई है और गुड़ भी लगभग मेल्ट हो गया है। तो इसे अच्छी तरह मेल्ट होने दें और हम इन सबको मीडियम से हाई फ्लेम में पकाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए हमारा आम थोड़ी थोड़ी पकने लगी है और हमारा गुड़ यानी जगरी भी मेल्ट हो गई है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स हम इसे 20% ही पकाएंगे और बाकी हम धूप में पकाएंगे। करीबन हम इसे 1 से 2 सप्ताह अच्छी धूप में डेली निकालेंगे जिससे हमारा आम कंप्लीट पक जाए। अचार को हमने ठंडी होने के बाद मैंने मटके में डाल ली थी और ये 30% पक चुकी है। अब हम इसे बाकी का धूप में निकाल के पकाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स।